नमस्कार, कैसे हैं साथियों? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज आप लोगों को भाद्रुगढ़ में बनने वाले नए सेक्टरों के बारे में बताने का काम करने वाले हैं कि किस एरिया में भाद्रुगढ़ के कौन सा सेक्टर बनने वाला है। इन फ्यूचर के इस प्लान के बारे में हम इस सीरीज को पार्ट के रूप में डिवाइड करने का काम करेंगे। मतलब आज हम जिक्र करेंगे 6 सेक्टरों के बारे में जो कि नए सेक्टर भाद्रुगढ़ क्षेत्र को मिलने वाले हैं। इनमें एक दो सेक्टर पुराना भी है जो इंडस्ट्रियल एरिया को सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनने का काम कीजिए। भाद्रुगढ़ क्षेत्र में पुराने सेक्टरों समेत नए जो सेक्टर 2031 मास्टर प्लान और 2041 मास्टर प्लान तक जो डेवलप होने वाले हैं उन सेक्टरों की संख्या 62 है। मतलब 62 सेक्टर 2041 तक भाद्रुगढ़ में लगभग डेवलप हो जाएंगे। इन सेक्टरों के बारे में बारीकी से जानेंगे। लाइन पार क्षेत्र को भी कई सेक्टर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ रेलवे लाइन और NH9 के मध्य वाले क्षेत्र को भी दिल्ली बॉर्डर तक जाखुदा से लेकर सेक्टर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ भाद्रुगढ़ का जो दक्षिणी बाईपास है इस बाईपास के साथ साथ वाले क्षेत्रों को भी कई सेक्टर मिलने वाले हैं। तो आज हम भाद्रुगढ़ के सेक्टर की सीरीज को चलाने का काम कर रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से भाद्रुगढ़ के 6 बनने वाले नए सेक्टर जिनमें से एक सेक्टर शायद पुराना भी है, तो इन सभी सेक्टरों का जिक्र करेंगे कि कहां से लेकर कहां तक ये सेक्टर बनने वाले हैं। यह जो सीरीज हम चला रहे हैं इस सीरीज में हम पहले भाग में जाखोदा गांव से भाद्रुगढ़ या दिल्ली के साइड वाले क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वह इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि रेलवे लाइन वर्तमान में रोहतक से दिल्ली वाली रेलवे लाइन और NH9 का पुराना रोड, मतलब एक तो बाईपास आ गया, एक NH9 जो जाखोदा गांव के अंदर से होकर भाद्रुगढ़ दिल्ली की तरफ चला जाता है, रेलवे लाइन और NH9 के मध्य वाले क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और जाखोदा से दिल्ली साइड वाले रूट पर हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले भाद्रुगढ़ में 62 सेक्टर डेवलप हो जाएंगे 2041 तक। इनमें से कुछ सेक्टर डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहला जो सेक्टर जाखोदा से भाद्रुगढ़ साइड रेलवे लाइन व NH9 के मध्य में जो बनेगा उस सेक्टर का नाम सेक्टर 17A के रूप में उसे इन फ्यूचर जाना जाएगा। इस सेक्टर में बात करें मुख्य रूप से तो 410 और 420 नामक दो पॉइंट दिए गए हैं। मतलब 420 और 420 नंबर मास्टर प्लान 2041 के दिन भी शो किया गया है। तो यह जो सेक्टर बनेगा जाखोदा से भाद्रुगढ़ साइड रेलवे लाइन और NH9 के मध्य में इस सेक्टर को 17A नाम दिया गया है और इस सेक्टर में 410 नंबर रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन शीडिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 17A जो नया डेवलप होने वाला सेक्टर है इसमें रोड डिपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपोर्ट और पार्किंग एरिया के लिए जगह रखी जाएगी। ये पहला सेक्टर है जाखोदा से भाद्रुगढ़ साइड में। इससे अगला सेक्टर जो बनेगा उस सेक्टर का नाम है सेक्टर 18। सेम इससे आगे इसी पैटर्न पर यह बने, मतलब वो सेक्टर खत्म होने के बाद सेक्टर 18 बन जाएगा। सेक्टर 18 जाखोदा से भाद्रुगढ़ से और रेलवे लाइन और NH9 के मध्य में जाखोदा से दूसरा सेक्टर होने वाला है जिसके अंदर 310 नंबर दिया गया है, 320, 330 और 340 नंबर दिया गया है। इनकी बात करें तो इनमें सर्विस इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री सेक्टर 18 जो नया डेवलप होने वाला सेक्टर है इसमें इंडस्ट्रीज आने वाली है। जिन इंडस्ट्री, मतलब कुछ इंडस्ट्रियां पहले से हैं उनको जोड़ के इस सेक्टर को पूरा डेवलप कर दिया जाएगा, सेक्टर 18 नाम दे दिया जाएगा। इनके मध्य से रोड भी निकलेंगे, उसका जिक्र किसी और वीडियो के माध्यम से करने का काम करेंगे। तो इनके अंदर जो छोटी इंडस्ट्री, मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री जो बड़ा काम होता है वे सभी प्रकार का काम सेक्टर 18 में किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर 18A। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो सेक्टर है सेक्टर 18A। यह सेक्टर साखोड़ गांव से जाखोदा साइड की तरफ विकसित होगा। मतलब जाखोदा से बात करें तो तीसरा सेक्टर होगा सेक्टर 18A और साखोड़ गांव से अगर जाखोदा साइड जाया जाए तो यह पहला सेक्टर होगा जो रेलवे लाइन और NH9 पुराना जो रोड है उसके मध्य में बचने वाला सेक्टर होगा। इस सेक्टर में भी 310 नंबर, 320 नंबर, 330 नंबर और 340 नंबर को दिया गया है। इनमें भी सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री आने की पूरी संभावना है। मतलब साफ तौर पर बात करें रेलवे लाइन
और NH9 पुराने रोड के मध्य जो सेक्टर ये डेवलप किए जाएंगे, इन सेक्टरों में इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया है और रेलवे स्टेशन से लगता हुआ स्टेशन होने के कारण यहाँ पर रेलवे यार्ड इत्यादि भी बनाने का काम किया जाएगा। इससे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, सेक्टर 19 साखोड़ गांव से परनाला गांव का जितना भी एरिया है, आप लोग समझने का काम करें, साखोड़ गांव जहां पर वर्तमान में है वहां से लेकर परनाला गांव तक का पूरा एरिया, इनमें NH9 और रेलवे लाइन के मध्य का एरिया ही जोड़ने का काम, इसलिए हमने इस पार्ट को बनाने का काम किया। अगर एक ही पार्ट के अंदर इसको समझाते तो समझ में नहीं आता। रेलवे लाइन और NH9 के मध्य का एरिया वर्तमान साखोड़ गांव से लेकर परनाला गांव तक के एरिया को सेक्टर 19 नाम दिया जाए। वो बात करें तो सेक्टर 19 का तो नाम दिया जाएगा साखोड़ गांव से परनाला गांव तक रेलवे लाइन के मध्य का ये सेक्टर बनेगा। इस सेक्टर के अंदर भी काफी सुविधाएं आने वाली हैं, जिनमें 310 नंबर, 320, 330, 340 नंबर दिया गया है। 310 नंबर वहीं सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। इसके अलावा 100 नंबर भी दिया गया है, 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। इसके अलावा 410 कुछ एरिया में और 630 नंबर भी दिया गया है। जो यहाँ पर कुछ हद तक जो पहले से काफी है एरिया डेवलप है, तो इसको सेक्टर में कन्वर्ट करके सेक्टर 19 इसका नाम दे दिया जाएगा। कॉलोनियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे आगे बात करते हैं सेक्टर 20 परनाला के पास रेलवे लाइन के पास, ध्यान से सुनने का काम के, सेक्टर जो 20 बनेगा वो परनाला के पास, परनाला गांव के पास रेलवे लाइन के पास बनेगा और NH9 के मध्य में बनेगा। इस पूरे एरिया को, परनाला गांव के एरिया को सेक्टर 20 जो होगा ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियली है आवासीय सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा 2041 मास्टर प्लान के अधीन। ये सारी बातें हम बताने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर, यह जो सेक्टर होगा पूरा रेजिडेंशियल मतलब आवासीय कॉलोनियां होंगी, जिनमें एक अच्छे पैटर्न पर नए कुछ रोड की सुविधा भी देने का काम किया जाएगा और वेस्ट जुआ ड्रेन पर बना हुआ रोड भी इनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। इसे अगले पॉइंट पर जिक्र करते हैं सेक्टर 21 जो होगा वह वेस्ट जुआ ड्रेन से आगे NH9 व रेलवे ट्रैक के मध्य दिल्ली बॉर्डर तक के एरिया को सेक्टर 21 का नाम दिया गया है। यह एरिया पहले से काफी डेवलप, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज पहले से ही हैं, तो इस एरिया को सेक्टर 21 का बेहतरीन तरीके से इन फ्यूचर नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पर 310 नंबर सर्विस इंडस्ट्री, 320 नंबर लाइट इंडस्ट्री, 330 नंबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और 340 नंबर हैवी इंडस्ट्री के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेक्टर 17 जो कि जाखोदा से बहादुरगढ़ साइड, उसके बाद सेक्टर 18 इससे इसके बाद दूसरे नंबर वाला सेक्टर जो रेलवे लाइन और NH9 के मध्य है, तीसरा सेक्टर सेक्टर 18A, चौथा सेक्टर सेक्टर 19, पांचवा सेक्टर सेक्टर 20 और छठा सेक्टर जो नाम बदल दिया गया एरिया का सेक्टर 21। हमने इस वीडियो के माध्यम से 6 सेक्टर डेवलप होने वाले, मतलब 5 सेक्टर तो डेवलप होने वाले हैं, इनमें एक सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री पहले से थी। तो इन सेक्टरों के बारे में बारीकी से बताया, जिनमें सेक्टर 17A, सेक्टर 18, सेक्टर 18A, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21, ये सभी बहादुरगढ़ में डेवलप होने वाले सेक्टर्स का हमने बारीकी से चर्चा की। यह पार्ट सेक्टर बहादुरगढ़ के सेक्टरों का पार्ट 1 है जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ क्षेत्र में कुल 62 सेक्टर मिलने वाले हैं, जिनमें से लाइन पारा क्षेत्र को भी काफी ज्यादा सेक्टर मिलने वाले हैं, उनकी वीडियो भी काफी जल्द आने वाली है। उम्मीद है कल तक वो वीडियो आप लोगों के सामने हम लेकर आने का काम करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहादुरगढ़ के सेक्टरों की सीरीज 1 के पार्ट 1 के रूप में बनाने का काम किया है। इसके साथ हम अगली वीडियो भी काफी जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। तो बहादुरगढ़ के सेक्टरों की यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का काम कीजिए और बताएं कि कौन से जल्द होने डेवलप होने वाले सेक्टरों की संपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। टोटल 62 सेक्टर्स का हम जिक्र करने वाले हैं। ये पार्ट 1 के अंदर हमने 6 सेक्टरों का जिक्र किया। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहादुरगढ़ में बसने वाले नए सेक्टरों की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।